एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार आप सभी को, प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, नहा धो करके मस्त रेडी हो चुका हूँ। मैं सोचा था कि आज मन है, आज मनीषा को कहीं लेके जाऊँगा घुमाने, क्योंकि बहुत दिन हो गए हम लोग यहीं पे। तो मनीषा भी झाड़ू पोछा वगैरह सब हुआ, जो काम वाली थी उनको हमने मना कर दिया, क्योंकि वो सफाई सफाई हो जाने के बाद आ रही थी। मनीषा जब झाड़ू पोछा कर दे रही है उसके बाद वो पहुंच रही थी। फिलहाल चलते हैं हम नाश्ता वास्ता की तैयारी देखने। तो दूसरी मेड को हमने आज रखा, मतलब बुलाया हुआ है, तो होपफुली वो दूसरी मेड भी आएंगी। तो लेट्स सी, बाकी अभी चलते हैं खाना पीना। और मैं सोचा था क्या कि मनीषा के मम्मी पापा की आज रात को ट्रेन है, तो मैंने सोचा कहीं थोड़ा घुमा देता हूँ। इतने दिन से कहीं भी घूमने नहीं गए, कहीं भी नहीं घूमने गए। और जब भी मैं बोलता हूँ तब मनीषा की मम्मी जो है, यानी कि मम्मी जी, वो मम्मी कहने लगती है कि नहीं, मेरे को घूमने नहीं जाना है, आप तुम लोग यहीं रहो। बाकी पापा तो कोई कुछ बोलते नहीं है वैसे, लेकिन मम्मी बोलते हैं नहीं नहीं घूमने जाना है वगैरह वगैरह जो भी है। बहुत डिसेंट हैं दोनों लोग, बहुत मतलब अच्छा लगता है मेरे को, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर अब चलिए साथ में देखते हैं, कुछ ना कुछ तो प्लान बनाऊंगा ही, नहीं तो फिर मज़ा सा नहीं आएगा, है ना। तो अभी चलते हैं नाश्ता वाश्ता की तैयारी देखते हैं नाश्ता क्या बन रहा है उसके बाद। तो गाइस अभी यहाँ पर मनीषा नाश्ता बना के आई है, चिल्ला रही है पूरे घर में, नाश्ता कर लीजिए नाश्ता कर लीजिए, एकदम चिल्लाते रहना है। चाय चाय चिल्लाती है, एकदम चाय 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 चिल्लाती है। घर में काम लगा है तुमको पता नहीं चल रहा, तो सब पे चिल्ला कह रही है, क्या गर्म आई तो 12 ही ना बज रहा है। लंच दो, चावल दाल सब्जी दो। लंच नहीं बना, लंच का टाइम है, नाश्ता स्किप हो गया, अब लंच बाद में मिलेगा। स्किप कैसे हो गया? तो टाइम होता है 9 से 10 का टाइम होता है खत्म। तब चिल्ला कह रही है? चिल्ला रहे हैं, अभी बच्चा खुचा है तो उसको खत्म करना है तो कर सकते हैं। मैं बच्चा खुचा खाने के लिए बैठे हैं हम। तो बच्चा ही खुचा खाएंगे ना, टाइम ही खत्म। ठीक है चलो जाओ चावल दाल बनाओ। गो जाइए, थोड़ा देख लीजिए, मम्मी पापा आए हैं। लिसन टू माय वर्ड्स, मम्मी पापा आ जाए हैं लोग। तो तू क्या करबू? उसके बाद तो आज चलने करबू का है, खाली घर में बैठे रह रहे हैं। घर में कल तुम घूम के आ गई बनी, तो अब काहे नहीं चिल्ला रहे हो? कल इनका बॉडी पेन हो रहा था, मम्मी बोले हम नहीं जाएंगे, मम्मी को नहीं जाना है घूमने। ठीक बात, हम जाते नहीं, कहाँ जाए घूमने, जाते नहीं चंडीगढ़ घूमे। हर घर में बस एक ही ना, चिल्लात का है बड़ू, लिया वो खाना नीचे लाए ऊपर, तब का ना लिया सकलू, लिया ना सकलू, पानी लाओ ये खाना लाओ। पानी तो आरो नीचे ही बा, आरो कहाँ नीचे चलता, आरो के नाम पर पारो आ गई। नाश्ता लिया, नाश्ता लिया हुआ, नाश्ता ना तो धोला अपन रास्ता। लड़की करके थोड़ा मजा आ जाता है, और हर दिन अगर लड़ाई ना होना तो एक थोड़ा सा अधूरापन लगता है। देखो कैसे हंस रही है, असली लड़ाकू बीमार है, थोड़ा थोड़ा लड़ना चाहिए। नाश्ते में आज छोले और पूड़ी बनी हुई है, इसीलिए वो छींक छींक के चिल्ला रही थी, देख लो। इंटर सूते समास मिली तब नू, खा लिए नहीं है, तो का हो जाए दुहाली ऊपर नीचे कर ले बुता। काहे नहीं जा रही पापा को खिलाने? एको बोले कहीं घुमा दे तो वो भी नहीं, नहीं मम्मी बोले नहीं जाएंगे, मम्मी को फिर शाम को लिट्टी भी बनाना है, चल जाएंगे तो फिर नहीं बन पाएगा। लिट्टी बनाने के लिए ऐसा नहीं करने जा रही, वो बोल रही हम नहीं बैठेंगे, बैठने से मैं पेट में दर्द
बैठने से पेट में दर्द होता है तो उनको सुला दिया जाएगा। तू माने या ना माने दिलदार। सो गाइस अभी मनीषा नाश्ता वास्ता बना चुकी है और पूरी सब्जी तो बनाई, छोला छोला तनु बनाई थी ना आज, क्योंकि तनु छोला अच्छा बनाती है। मनीषा का आईडी कार्ड लटका हुआ है हैंगर में, वो हैंगर हमारे घर में इसके आईडी कार्ड के लिए लगा है। सामने रहते तो मिल जाते, कल यहाँ लटका दिए तो पूरा ढूंढ रहे थे ऊपर। हाँ, धो के देख सकते हैं कैसे सोए हैं ये, बहुत ज़्यादा आजकल इनको नींद आ रहा है क्योंकि वीकनेस हो जाता है ना तो बहुत नींद आती है। इनको बोलती हूँ थोड़ा अच्छे से खाया पिए कीजिए, लेकिन ये तो अभी बताओ अभी ब्रेकफास्ट किए हैं और इसीलिए हम थोड़ा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि टाइम पे अगर कर लेते हैं तो सही रहता है। अभी इस टाइम लंच का टाइम हो गया है तो जब तक ब्रेकफास्ट नहीं कोई करता है तो लंच भी नहीं बन पाता है और यही बात है। तो अभी मम्मी ऊपर गई है लंच बनाना, मेरा भी सर बहुत तेज दर्द हो रहा है इसलिए कि बहुत लेट हो गया था लंच ब्रेकफास्ट करने में। अब जा रहे हैं, आज संडे था तो थोड़ा रूम वगैरह का सफाई करना था, डस्टिंग वगैरह करना था, इसलिए हम सुबह नहाए नहीं और बोले कि सब सफाई कर लेंगे उसके बाद से नहाएंगे धोएंगे अपना। और अभी बहुत सुंदर सा साड़ी पहनने वाले हैं जो कि आप लोग देखिएगा और आप लोग बताइएगा कैसा लगेगा। बाकी अभी मम्मी ऊपर है तो चलते हैं, बगल वाले रूम में निशा है और यहाँ पे विकास है, आवाज़ बंद कर दो। और अभी ये खा लिया कहाँ? नहीं बोल रहे तुम जाएंगे तो पापा से पैक कर लेना। क्यों पता नहीं, हम बोल रहे कि सभी तुम जाओगे तो हम चले जाएंगे। सोच में पैक कर लिए क्या? बोल तो रही थी तुम, नहीं बोल रही थी नहीं सर नहीं, नहीं अभी नहीं बोल रहे थे कि हम भी जाएंगे अपने घर कपड़े पर सब तक किए हैं ना। वो नहीं गए क्यों? कुछ कुछ हुआ क्या? क्या जाने पता नहीं, बोल रहे थे कि जाना है हमको तो हम बोले उसे कि तुम जाओगे तो फिर हम भी चलेंगे क्योंकि तनु तो कॉलेज चली जाएगी, वैसे भी चला जाएगा, फिर हम अकेले हैं क्या करेंगे, आप भी नहीं रहिएगा। हम तो आ जाएंगे, दो दिन के लिए जा रहे हैं। दो दिन में फिर भी तो मतलब निशा रुकेगी, उसको बोलेंगे रोकने के लिए। क्या तुम घर जाने के लिए बोल रही है? घर जाने के लिए, घर जाने के लिए बोल रही है। क्यों घर जाएगी? नहीं हम नहीं बोले ऐसे हो जाते ऐसे मन करे क्या घर जाने का? जानबूझ के बोल रही कैमरे के सामने। नहीं हमसे बोली थी कि हमको जाना है तो फिर हम भी सोचे कि हमको भी मन नहीं लगेगा फिर हम भी चलेंगे साथ में। आज तो संडे है तो तनु को भी थोड़ा आराम मिल रहा है कि कॉलेज नहीं जाना है ना। तनु कल भी आराम मिला था ना, कल भी नहीं गई थी कॉलेज, कल नहीं गई थी, कल कुछ था ही नहीं इसलिए। और यहाँ पे निशा है, कल एग्ज़ाम था तो वो ज़्यादा देर के लिए, थोड़ी एग्ज़ाम में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि जल्दी ख़त्म हो जाता है ना, मतलब आराम से हो जाता है, फ्री हो जाते हैं हम लोग। और क्लास में क्या होता है कि 4:30 बज जाता है, सुबह से गए गए 4:30, एग्ज़ाम में मस्त जाओ सुबह अच्छे से खा पी के और उसके बाद हो जाता है। तो नहीं जाओ, जाने के मस्ती से जा, मतलब अंदर से होता है ना। नहीं वो जब पेपर मिलता है तो बहुत मजा आता है लिखने में, सोच सोच के कुछ भी आराम से लिख सकते हैं और वो सारा कुछ सिलेबस से ही आता है, कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस आता है तो थोड़ा दिक्कत लगता है, लेकिन उस पर भी बात होती है तो सब ठीक हो जाता है। तब चलते हैं यहाँ से, ये लोग बैठे हैं, बाकी ऊपर मम्मी है। गाइस अभी हमारे घर में विंडो खिड़की मतलब जो है ना वो नहीं लगा था किचन में, तो अभी लग रहा है, वो लग गया है, पेंट हो रहा है, तो अभी मम्मी देख रहे हैं मम्मी क्या कर रही है। आ गए हैं मम्मी किचन में, अरे पेंट हो रहा है ना, तो आज जाना भी नहीं। सा भी कह रही थी क्या हम जाएंगे, उसको मत लेके जाइएगा। और यहाँ अभी सब किचन है, यहाँ पे पेंट का काम हो रहा है। अभी आज हमारे घर बनने वाला है साग, जो कि मिस्टर आज तो नहीं खाएंगे तो उनके लिए सब्जी कटा हुआ है और ये मम्मी काट दी है आलू, सॉरी इसमें है बैंगन और साग, यहाँ पे गोभी और ये, तो ये मिस्टर आज के लिए, बाकी ये वाला हम लोग खाएंगे।
यहाँ पे हम आ गए सच्चे, थोड़ा सा मम्मी का हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ दाल बैठा दिए और फिर चावल निकालने चले गए, बाकी यहाँ मम्मी साग वग बना रही थी अपना। कैसे बहने होते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी यहाँ खाना बन रहा है।